खबर भारत चीन विवाद को लेकर। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने भारत के खिलाफ जनमत बनाने के लिए बीजिंग में कई देशों के राजदूतों को बुलाकर डोकलाम विवाद में भारत के खिलाफ भड़काया। चीन ने खुलकर चेतावनी दे दी है कि भारत को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भूटान का डोकलाम, जमीन के इसी टुकड़े को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। झगड़ा 89 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के टुकड़े का है, जिसका मालिक भूटान है। चीन जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है और भारत भूटान के हक में खड़ा होकर चीन को जमीन हड़पने से रोक रहा है। इसी बात को लेकर चीन भारत के खिलाफ जंग छेड़ने पर आमादा है। डोकलाम के झगड़े को लेकर चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग में कई देशों के राजदूतों को बुलाकर भारत के खिलाफ जहर उगला। चीन ने कहा कि वो डोकलाम से पीछे नहीं हट सकता, भारत को पीछे हटना होगा। चीन अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा और न ही ज्यादा इंतजार कर सकता है। चीन के उग्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो इसे उसके परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। चीन को डोकलाम में और सैनिक भेजने चाहिए और सड़क निर्माण का काम जारी रखना चाहिए। डोकलाम में जमीन हड़पकर चीन सड़क बनाना चाहता है, ऐसी सड़क जिस पर 40 टन तक चीन के सैन्य वाहन और टैंक आ जा सकें। चीन की यह सड़क भूटान के लिए तो खतरा होगी ही, भारत में उत्तर पूर्व राज्यों में भी चीन की दखल बढ़ेगी। भारतीय सेना के डोकलाम में खड़ी होने से चीन की सड़क का काम रुक गया है और वो तिलमिला रहा है। भूटान और चीन के बीच रिश्ते कितने खराब हैं, इसका अनुमान इसी से लगाना चाहिए कि दोनों देशों के बीच कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं है। एक दूसरे के देशों में दोनों के दूतावास नहीं है, राजनयिक नहीं है। भूटान को भारत मित्र देश मानता है, मित्रता के बंधन के नाते डोकलाम में भारतीय सेना तैनात रहती है। चीन को लगता है कि भारत खामखा भूटान और चीन के झगड़े में कूद रहा है। चीन से हुए विवाद में भारत का विरुख साफ है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, मतलब डोकलाम से सेना की वापसी नहीं होगी। दोनों देशों के बीच हुए 2012 के समझौते के तहत ही भारत आगे बढ़ेगा। इस धमकी से पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली चीन को चेतावनी दे चुके हैं कि 1962 और 2017 में काफी फर्क है। चीन जब भारत के खिलाफ जनमत बनाने में जुटा है, तब भारत धैर्य के साथ चीन के साथ विवाद को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बड़ी पहल होगी 26 और 27 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स देशों के एनएसी की बैठक में, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जाएंगे। डोभाल ही चीन से सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत के विशेष दूत हैं। चर्चा है कि डोभाल की चीन के एनएसी यांग जीजी के साथ बातचीत हो सकती है। हालांकि चीन का रुख है कि पहले डोकलाम से भारत अपने सैनिकों को हटाए, उसके बाद बातचीत हो पाएगी। चीन के रुख को देखते हुए भारत सरकार सतर्क है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि चीन की सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद चौकसी बढ़ाते हुए निष्क्रिय पड़ी हुई चौकियों को सक्रिय कर वहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी को तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को अपना अलग इंटेलिजेंस विंग बनाने की मंजूरी दे दी है। एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा देती है। 650 अतिरिक्त भर्तियों की भी मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार चीन की स्थिति को लेकर देश में राजनीतिक सहमति से आगे बढ़ना चाह रही है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं को चीन के साथ तनाव के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। संसद सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने चीन पर देश के एक स्वर की तारीफ की थी। हालांकि सीपीएम के सीताराम येचुरी मांग कर चुके हैं कि सरकार को संसद में बताना चाहिए कि चीन पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।